हाय एवरीवन, और आई होप सब सब सही हो। दिवाली नज़दीक है तो वैसे भी तो लोगों की क्वेश्चन भी होते रहता है, डिस्कशन भी होते रहता है, जिम पे हो, कहीं भी हो, बाहर कभी कभी लोग मिल जाते हैं। पुराने मेरे जो मेंबर्स हैं तो भी वो वही उनका वही रोना धोना शुरू हो जाता है कि सर इतना दिन से कर रहा हूँ, मेरा रिजल्ट एक जगह जाके मैं अटक गया हूँ, या फिर मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ लेकिन यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कभी कभी हम भी हमारे साथ भी ऐसे होता है, मेरे साथ भी होता है ऐसा। तो देखो अगर आप चाहते हो कि एक गोल को लेके चल रहे हो माइंड पे, और आपका ट्रेनिंग भी देखते हो, ट्रेनिंग भी ठीक है या न्यूट्रिशन ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, या तो रिकवरी में आपका सही नहीं हो रहा, और कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो मैं फिर भी आपको जो जो मेरे पॉइंट है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप समझ रहे हो कि आपको गोल को लेके कहीं आप अटक चुके हो, कहीं जो आपका टारगेट है उसको चल रहे हो लेकिन बीच में कहीं आप मतलब एक जगह जाके आप स्टक हो चुके हो, तो मैं ये बोलूँगा शायद आप सेम शेड्यूल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, और आप चाहते हो कि एक्सपेक्ट करते हो कि मुझे सेम जो भी एफर्ट मैं कर रहा हूँ उसी एफर्ट के साथ मैं अपना गोल का अचीव करूँगा। ऐसा तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ हद तक पॉसिबल है, और कुछ बहुत बहुत हद तक नहीं है, क्योंकि सेम शेड्यूल में और सेम एफर्ट में लगाओगे तो बॉडी उस चीज़ को यूज्ड हो जाता है, और आप आप जो भी रिजल्ट फिलहाल है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो और उससे आगे जाने के लिए, तो ऑब्वियसली आपको एफर्ट में भी उस जो भी आप कर रहे हो उसको थोड़ा सा आपको और करना पड़ेगा। एफर्ट इन द सेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, एफर्ट आपका न्यूट्रिशन भी है, एफर्ट आपका रेस्टिंग भी है, एफर्ट आपका लाइफस्टाइल भी है, कि जिस तरह की आपका लाइफस्टाइल होगा तो उस तरह से आपका ये होगा। मैं भी ये नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ स्पोर्ट्स को या फिर ट्रेनिंग को ही सब सब कुछ मान लो, अपना लाइफ भी जियो, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपका एक तरह की गोल है आपका फिटनेस को लेके, तो थोड़ा सा कुछ दिन के लिए स्ट्रिक्ट हो जाओ तो बेटर रहेगा। आप अपना लाइफ भी जियो साथ साथ, लेकिन माइंड में हमेशा रहना चाहिए कि मैं भी जो भी कर रहा हूँ, मेरा लाइफ स्टाइल में जो भी है, कहीं मेरा उससे मेरा जो भी फिटनेस से रिलेटेड जो भी मेरा गोल है उस पे तो कोई मतलब इफेक्ट तो नहीं करेगा। यार इफेक्ट नहीं करेगा तो आप अपना जो भी है जैसा चल रहा है ठीक है, लेकिन हाँ अगर आप चाहते हो कि जहाँ हो उससे आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी ट्रेनिंग में हो, न्यूट्रिशन में हो, थोड़ा सा और एफर्ट देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं जहाँ गड़बड़ है थोड़ा सा और डिटेल्स पे, मतलब इंडिविजुअली तो अलग अलग इश्यू रहेगा, तो उसके हिसाब से इंडिविजुअल को सॉर्ट आउट भी अलग अलग ही होता है। किसी का ट्रेनिंग से होता है, तो किसी का मोटिवेशन से होता है, तो किसी का न्यूट्रिशन से होता है, तो किसी का रेस्टिंग से होता है, किसी का लाइफस्टाइल से होता है। ठीक है, तो आपको लग रहा है कि सब सब कुछ ठीक है, ये इसके बिना नहीं हो सकता, उसके बिना नहीं हो सकता, तो उसको लेके ही आपको चलना पड़ेगा अगर आपका फिटनेस से कुछ चाहते हो तो। हर फिट रहना कोई बुरी बात नहीं है देखे तो, ठीक है, फिट रहोगे तो आपको आपके लिए क्या आप सबके लिए अच्छा है, बल्कि आप सेविंग करोगे, कोई वेस्ट ऑफ मनी नहीं होगा आपको। ठीक है, और ध्यान रखना है जो भी आप एफर्ट लगाते हो, अगर मैं ट्रेनिंग पे जाऊंगा तो मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल अगर आपका स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप चाहोगे आहिस्ता आहिस्ता आपका लिफ्टिंग बढ़ाने के लिए, आप चाहते हो कि मैं थोड़ी सी मेरा स्टेमिना बिल्डअप हो, तो आप अच्छे से एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ हो या फिर कार्डियो एक्टिविटीज़ आप अच्छे से करना चाहोगे टाइम के साथ, ताकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो और आप आगे बढ़ सको, लेकिन आप सेम शेड्यूल और सेम ट्रेनिंग के साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो यही मेरा आंसर रहेगा। आपका आपका रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के हिसाब से आपको मेहनत मेहनत भी करना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम में 90% चाहिए या फिर 95% चाहिए या फिर सिर्फ पास होना है, तो उसके हिसाब से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम की प्रिपेयर करनी पड़ेगी। आपको लगता है कि आपकी बॉडी अच्छा रिस्पॉन्स करता है आपको जो भी एक्टिविटीज़ करते हो, तो उसके हिसाब से आपको आपको लगता है कि आपको बॉडी आपका ठीक से रिस्पॉन्स नहीं करता है, मेहनत आपका उसकी तरह से होगा। तो हर किसी के लिए इंडिविजुअली, पर्सन के लिए इंडिविजुअल अलग अलग रिजल्ट होता है, अलग अलग ट्रेनिंग स्टाइल होता है, अलग अलग न्यूट्रिशन होता है,
तो वही आपको ध्यान रखना है कि आप कहाँ स्टक हो, और थोड़ा सा आप अपने अपने कोच से थोड़ा डिस्कशन कर लो कहाँ कहाँ स्टक हो, तो आई एम श्योर कि आपके आपके कोच वो आपको गाइड करेंगे। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो तो ऑब्वियसली मेरे से पूछते रहते हैं, और आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, और कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा, पूछते रहिए, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक एक टॉपिक लेके आपको वीडियो बनाता रहूँगा और आपको समझाता रहूँगा कि क्या क्या कैसे कैसे हम आप तो सबकी अपनी अपनी फिटनेस लाइफस्टाइल को और अच्छे कर सके। ओके, आई होप यू एंजॉय गाइस, थैंक यू सो मच एंड सी यू सून, टेक केयर।